एक बार फिर वो टाइम आ गया है जब सरकारों को किसान याद आते हैं, चुनाव नजदीक हैं। किसान संगठनों को ये विनम्र सुझाव है कि नए पुराने नेताओं की कही सुनी बातों में ना आए। सिर्फ सरकार बदलने से किसान का हित नहीं होगा, उसके हिस्से सरकारी पैसा नहीं आएगा। पैसा कैसे आएगा जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और इस पे अपने साथियों के साथ चर्चा करिए। नमस्ते, मैं आशुतोष। ये वीडियो और ये चैनल कोशिश है उन बातों पे ध्यान खींचने की जिन पे राजनीति होनी चाहिए। इट इज एन अटेम्प्ट टू इन्फॉर्म एंड मेक अवेयर। पिछले 3-4 सालों में देश भर में कई किसान आंदोलन उठे। पूरे किसान समुदाय में अब अपनी दो मांगों पर आम सहमति है, कर्ज माफी और फसल की एमएसपी पे खरीद, यानी अपनी कुल लागत पर किसान को 50% मुनाफा मिले। यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने, जिनमें दो बीजेपी की हैं और दो कांग्रेस की, किसानों की कर्ज माफी पर बड़े बड़े बयान दिए पर उन पे अमल नहीं किया। और जहां तक किसान की फसल के पूरे दाम यानी एमएसपी देने की बात है, ये तो होना ही चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि अगर सरकार एमएसपी पे खरीद करने लगे तो इससे कितने किसानों को फायदा मिलेगा? मतलब देश के कितने किसानों की सरकारी अनाज मंडियों तक पहुंच है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक हाई लेवल कमेटी, शांता कुमार कमेटी, ने जनवरी 2017 की अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये आंकड़ा 6% से ज्यादा नहीं है। यानी देश के 94% किसान की या तो पैदावार इतनी कम है या उसके पास सरकारी मंडी से जुड़ने के साधन नहीं है। ट्रॉली नहीं है, सड़क नहीं है, क्रेडिट नहीं है। मिसाल के तौर पे एमपी में 94 लाख गेहूं प्रोड्यूसर किसान परिवार है, पर सपोर्ट प्राइस मिलता है 10 लाख परिवारों को, मानिए करीब 10 में एक को। कहने का सार ये कि अपने आप में एमएसपी बेहद ना काफी है। जैसे मिडिल स्कूल एलजेब्रा में हम पढ़ते थे, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, कोई बात जो जरूरी है पर काफी नहीं। और फिलहाल तो सरकारों का ये हाल है कि एमएसपी खरीद की उनकी कोई तैयारी नहीं है। गोदामों में स्टोरेज की जगह नहीं है, यहां तक खरीदने के लिए सरकारों के पास पैसे नहीं है। खूब गाजे बाजे के साथ आई पीएम आशा स्कीम प्रोड्यूस का 25% खरीदने की बात करती है। अब 6% किसानों का 25% माल खरीद के देश में कोई क्रांति नहीं आएगी। तो अब किसानों को अगला दांव लगाने के लिए तैयार होना चाहिए और दांव लगाने के लिए इस समस्या को गहराई से समझना होगा। बहुत मसलों की तरह इस मुद्दे की जड़ में भी पैसा है। कर्ज माफी के लिए, फसल के पूरे दाम देने के लिए पैसा कहां से आएगा? अभी साल भर पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के कर्ज माफी की बात कही तो देश के फाइनेंस मिनिस्टर जेटली जी ने तुरंत बयान दिया कि इसकी भरपाई का इंतजाम राज्य खुद करे, सेंटर से उम्मीद ना रखे। वैसे 2014 से 2018 के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट सेक्टर का करीब 3.25 लाख करोड़ रुपया माफ किया। तब वित्त मंत्री जी ने राज्यों से नहीं कहा कि अपना अपना देख लो भाई। कॉरपोरेट उद्योग और किसान दोनों उन्हीं बैंकों से कर्ज लेते हैं, तो किसानों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? इस सवाल का जवाब आपको मुद्दे की तह तक ले जाएगा और इसका जवाब छुपा है FRBM कानून में। FRBM यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। साल 2003 में बना FRBM कानून राज्य कोष में जमा राशि को जिम्मेदारी से बरतने की बात करता है। अच्छी बात है। FRBM कहता है कि स्टेट अपने GDP के 3% से ज्यादा उधार ना ले। राज्यों के अकाउंट्स पे एक नजर डालने से समझ आता है कि खेती किसानी के लिए पैसा क्यों नहीं है। मिसाल के लिए एमपी स्टेट के ये फिगर्स देखिए। एमपी सरकार अगर 100 रुपए कमाती है तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तनख्वाह पेंशन देने और अपनी उधारी चुकाने में 87 रुपए खर्च कर देती है, 87 रुपीज। एमपी की 8 करोड़ की आबादी में कोई 7.5 लाख सरकारी कर्मी है, 1% से भी कम। सोचिए 1% आबादी पे अगर स्टेट अपना 87% कमाई खर्च कर देगा तो बाकियों के लिए क्या बचेगा? आप जान के हैरान होंगे कि राजस्थान की 100 रुपए की कमाई पे 116 रुपए का खर्च है। यानी राजस्थान सरकार को अपने एम्प्लॉइज की सैलरी पेंशन देने और अपनी पुरानी उधारी चुकाने के लिए नया उधार लेना पड़ता है। सरकार खेती किसानी के लिए पैसा एलोकेट करे, इसके लिए FRBM कानून को अमेंड करना
और किसानों की आय निर्धारित करने के लिए फार्मर्स इनकम कमीशन बनाना जरूरी है। इसीलिए हमारा किसानों को सुझाव है कि वोट मांगने आए नेताओं से FRBM में बदल और फार्मर्स इनकम कमीशन बनाने की मजबूत मांग रखिए। हाथ में गंगा जल लेकर वादा करने से राज्य कोष में पैसा नहीं आएगा और किसान के कोटे में तो बिल्कुल ही नहीं। धन्यवाद। हमारी बात में कुछ बात लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। योर फीडबैक एंड कॉमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।